एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। हम व्रत में खाने के लिए एक और चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, कटलेट हैं। मैंने दो आलू उबाल कर उनको ग्रेट कर लिया। ठंडा होने के बाद 1/4 कप पीनट पाउडर लिया है। रोस्टेड पीनट आती है ना, आप कर सकते हैं रोस्टेड विदाउट सॉल्ट जो आती हैं। अदरवाइज आप घर में ड्राई रोस्ट करें, छिलका उतार लें और उनका पाउडर बना लें, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने साबुदाना का आटा लिया है और 1/4 कप ही मैंने समा के चावल का आटा लिया है। 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च क्रश करके ली है। सेंधा नमक लिया है स्वाद के अनुसार। और ये लिया है मैंने अमचूर पाउडर। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इन सबको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। इसका ना एक डो टाइप तैयार कर लेंगे क्योंकि हमें कटलेट बनाना है। और उसको फिर ऐसे ही ना आटा वाटा मिक्स करने के बाद चेक करके देखेंगे हम कि नमक ठीक है। अगर कम है तो हम उसमें और मिला देंगे। तो ये बाइंड करने के लिए है आटा और ये। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स करती हूँ। तो ये देखिए, ये डो की तरह ना बन गया है। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा हाथ पे ऑयल या घी लगाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे उठाएंगे और जो भी शेप आप देना चाहें, मोल्ड है तो आप हार्ट की शेप में, या मैं अभी जल्दी में बस ये ओवल शेप में ही इसको बना रही हूँ, ऐसे आप मिक्स करेंगे। और मैंने ना एक तल के देख लिया है कि ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। इस तरह से हम ना सारी बना लेंगे। ये जो भी शेप आपको चाहिए कटलेट की, उस तरह से आप करके रख लेंगे। देखिए, एक मैंने इसमें डाल दिया था तलने के लिए, ऐसे ही मैं ये दूसरा डाल रही हूँ। तो आपको मैं यहां दिखाऊं, ये देखिए उलट पलट के हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। और बिल्कुल भी ये देखिए वो नहीं है। हमने इसको क्या है, अगर आप चाहें तो इसको साबुदाने के आटे में भी लपेट सकते हैं। ये मैंने साबुदाने के आटे में लपेट के बनाया है, ये बिना लपेटे बनाया है। तो आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे हमने बना लिया, फिर उसके बाद हम इसको ऐसे साबुदाने के आटे में ऐसे रोल कर लेंगे। तो चॉइस आपकी है, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। इसका कलर अलग आता है जो साबुदाने के आटे में रोल किया हुआ होता है, और दूसरे का कलर इस तरह का आता है। मैं दिखा देती हूँ आपको, दूसरा कलर इस तरह का आएगा। तो इस दोनों में ये फर्क है, चॉइस आपकी है, आप कैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे फ्राई कर लेते हैं। अब देखिए, ये हमने डाल दिए और एक तरफ से ना अच्छे से सिकने दें पेशेंस के साथ। और ये देखिए कितने बढ़िया ये बन रहे हैं। आप हरा धनिया इसमें डाल सकते हैं, है ना। मैं नाइफ ले रही हूँ, आप पलटे से ही करिए क्योंकि हाथ ना जले इसलिए। ये देखिए, तो इनको कहीं भी ये टूटे नहीं हैं। अगर आपके टूट रहे हैं तो आप मूंगफली का पाउडर या फिर ये साबुदाना पाउडर और डाल सकते हैं, जो भी आटे हमने यूज किए हैं। आप देखिए, तो इनकी फटाफट करते हैं प्लेटिंग। और मैंने एक खाके देखा है, यकीन मानिए बेहद टेस्टी है, बेहद टेस्टी। काली मिर्ची का फ्लेवर है और कड़ी पत्ते की खुशबू है ना, मूंगफली का दाने आ रहे हैं बीच में, आलू है, तो अपने आप में बहुत ही टेस्टी है। तो हल्का सा ब्राउन और करते हैं, जैसे इसका कलर है ना ऐसा हम और करते हैं और प्लेटिंग करते हैं। और ये देखिए कितने यम्मी ये लग रहे हैं। और खाके जरूर, मतलब बनाएंगे तो खाकर जरूर देखिएगा कि आपको ये बिल्कुल अलग टेस्ट देंगे। मैंने यहाँ पे देखिए साबुदाने के जो आटे में रैप किया था हमने, वो भी क्रिस्पी है, और जो हमने नहीं उसको लपेटा था वो भी क्रिस्पी है। देखिए, ये देखिए, तो इसमें आप पास से देखिए मूंगफली के दाने थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो जरूर आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे ब्रेक करके दिखाती हूँ, अंदर से भी देखिए आप कितने ये यम्मी है। देखिए, तो बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।